आईलिड स्टार्ट करते हैं। वापस हम इसका पहले एनाटॉमी देखेंगे, एनाटॉमी के साथ साथ इसका डिसऑर्डर भी देखेंगे। तो ये वीडियो में हम लोग सिर्फ एनाटॉमी और कुछ स्वेलिंग्स देखेंगे, बाकी का जो डिसऑर्डर है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक जिसको हम इसका देखेंगे एनाटॉमी और डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में भी पहला है ब्लेफराइटिस, और अलग अलग कंडीशंस है जैसे टोसिस, एंट्रोपिन, एक्ट्रोपिन कंडीशंस है, टोसिस, फिर एक्टोपियन, एंटोपियन। तो ये कुछ टॉपिक्स है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ एनाटॉमी देखेंगे और स्वेलिंग्स देखेंगे। जो ये डिसऑर्डर वाला मेन जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं। सो एनाटॉमी देखते हैं। तो इसमें ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। तो स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। तो ये जो हमारा पार्ट है ये हो गया हमारा आईबॉल। तो ये हो गया हमारा आईबॉल, और ये जो पार्ट है ये किए और एक ये हो गया हमारा आईलिड, और ये हो गया हमारे आईलैशेस। तो अब इस पार्ट को हम इसको जूम करके देखते हैं कैसा ये और अंदर कैसे डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। तो ये हमारा मेन बॉर्डर। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आईलिड के अंदर कौन कौन से ऑर्गेन्स होते हैं, उसके अंदर ग्लैंड्स कौन से रहते हैं, उसके अंदर मसल्स कौन से रहते हैं, उन मसल्स में कौन से नर्व सप्लाई होते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल आई। ये हमारा एक्सटर्नल आई का मार्जिन हो गया, जिसको हम बोल देंगे स्किन। तो पहले ये हमारा मेन आउटर लेयर हो गया स्किन। स्किन एक स्किन जो है हमारा आउटर मोस्ट लेयर है, एक तो फर्स्ट पॉइंट आउटर मोस्ट लेयर, देन इट इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द आई, प्रोटेक्टिव लेयर। अब देखेंगे कि आप टच करके देखेंगे अपने आई को जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है। तो आप ये देखेंगे कि आपका ये जो आई का ये जो स्किन है ऊपर का, तो ये सबसे बॉडी में हमारा सबसे थिनेस्ट लेयर होता है। तो सो ये हो गया हमारा सबसे थिनेस्ट लेयर इन दी होल बॉडी, थिनेस्ट लेयर। तो ये हो गया हमारा पूरा स्किन वाला पार्ट, आईलिड में स्किन वाला पार्ट। सो नेक्स्ट देखेंगे हम इसके बाद का कौन सा लेयर आता है। इसके बाद आता है एक सबक्यूटेनियस टिश्यू या लेयर। सो इसके बाद आता है हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो ये हो गया हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है इसके अंदर मेन देखेंगे कि यहाँ पे कोई फैट मॉलिक्यूल्स नहीं रहते, फैट लेयर नहीं होता इसके अंदर। सो नो फैट।
और फैट नहीं होने की वजह से अगर हमारे कोई भी एक्सटर्नल ट्रॉमा रहेगा तो इजीली वहाँ पे एडिमा होने के चांसेस बहुत रहते हैं. सो देयरफॉर ऑन एनी ट्रॉमा लीड्स टू एडिमा ऑफ आईलिड. सो ये हो गया हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू या लेयर वाला पार्ट. इसके बाद हम देखेंगे मसल पार्ट. मसल हमारे आईलिड के अंदर टोटल 3 मसल्स रहते हैं, तो अभी हम एक एक करके हर एक मसल्स को देखेंगे. ये हो गया हमारा एक मसल जिसका नाम है ऑर्बिक्युलरिस ऑक्युलाई मसल. सो इसका नाम है ऑर्बी क्युलरिस ऑक्युलाई मसल. सो जो ये लेयर है, ये जो मसल है, ये वो एक स्ट्राइटेड मसल होता है, और ये हमारे आईज को क्लोज करने में, आईलिड्स को क्लोज करने में हेल्प करता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका नर्व सप्लाई क्या होता है. इसके साथ साथ हमें एक और मसल भी लेंगे. इस मसल को मैं थोड़ा अलग थोड़ा कलर से डिस्क्राइब करता हूँ. तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे एक मसल है यहाँ पे, एक ये हमारा मसल हो गया. तो ये मसल का नाम है लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियलिस मसल. तो ये मसल का नाम है लिवेटर पाल्पिब्रेई सुपीरियलिस मसल. सो ये मसल, ये दो पहले हम मसल देखते हैं. तो ऑक्युलैरिस ऑक्युलाई मसल और दूसरा जो है लिवेटर पाल्पिब्रे सुपीरियलिस मसल. तो इन दोनों का पहले हम नर्व सप्लाई देखेंगे. तो जो इस ऑर्बिक्युलैरिस है, ये सप्लाई होता है 7 फेशियल नर्व से, सेवेंथ फेशियल नर्व. और जो लिवेटर पैल्पिब्रे मसल है, इट इज सप्लाइड बाय सुपीरियर डिवीजन ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व, सुपीरियर डिवीजन ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व. तो जो ये मसल का फंक्शन क्या है, क्लोजर ऑफ आईलिड, और इसका उल्टा, इसका काम है एलिवेशन ऑफ आईलिड. सो ये दो मसल्स हो गए. अभी हम नेक्स्ट मसल देखते हैं, वो है मुल्लर मसल. वो होता, और एक चीज, जो ऑक्युलैरिस ऑक्युलाई मसल है और जो लिवेटर पाल्पिब्रेई सुपीरियलिस मसल है, ये दोनों स्ट्राइटेड मसल होते हैं.
और जो नेक्स्ट हम मसल देख रहे हैं मुल्लर मसल, वो एक स्मूथ मसल है। ये जो मसल है ये हो गया मुल्लर मसल, और इसके नीचे जो होता है टार्सल प्लेट होता है। ये हो गया हमारा मुल्लर मसल, और इसको जो नर्व सप्लाई होता है वो होता है सिंपथेटिक नर्व। इसको नर्व सप्लाई जो होता है वो होता है सिंपथेटिक नर्व। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 mm एलिवेशन ऑफ आईलिड। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 mm एलिवेशन ऑफ 2 mm एलिवेशन ऑफ आईलिड। मतलब जो हमारा लेविटल पाल्पेब्रे मसल है और जो मुल्लर मसल है, ये दोनों ही एलिवेशन में मदद करते हैं, लेकिन जो मुल्लर मसल होता है वो खाली 2 mm ही हमको मदद करता है, 2 mm एलिवेशन ऑफ आईलिड। लेकिन जो लेविटल पाल्पेब्रे सुपीरियलिस मसल है वो फुल एलिवेशन में हेल्प करता है। और जो ये हमारा टार्सल प्लेट बोला था मैंने, टार्सल प्लेट का जो हमारा ये टार्सल प्लेट है, तो टार्सल प्लेट का भी कुछ काम होगा। तो उसका काम ये है कि वो थिकनेस में मदद करता है आईलिड के। जो हमारा टार्सल प्लेट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनेस ऑफ द आईलिड, थिकनेस ऑफ आईलिड। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं ग्लैंड्स। जो टार्सल प्लेट है उसके नीचे एक ग्लैंड है, उसका नाम है मेबोमियल ग्लैंड। ये एक ग्लैंड हो गया, और दो ग्लैंड होते हैं इसके साथ साथ, तो कौन से ग्लैंड है तो वो भी देख लेते हैं। तो एक होता है ग्लैंड ऑफ जीस और दूसरा होता है ग्लैंड ऑफ मोल्ड। इसके पहले यहाँ पे हमारा एक, हमने एक चीज भूल गए, यहाँ पे होते हैं हमारे आईलैशेस। ये हमारे रूट्स हैं और रूट्स से बाहर निकलते हैं आईलैशेस। हमारे दो ग्लैंड्स और जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं, एक है ग्लैंड ऑफ जीस और एक है ग्लैंड ऑफ मोल। अभी ग्लैंड्स देखेंगे, तो ग्लैंड्स को हम डिवाइड करेंगे टोटल 3 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं ग्लैंड्स? फर्स्ट हो गया हमारा सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड को हम बाद में देखते हैं। तो पहले यहां पे हम देखते हैं नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड को बाद में देखते हैं, अब देखते हैं हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड। तो एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स के जो एक्सेसरी ग्लैंड्स थे वो कौन कौन से थे? कॉज और वुल्फ।
कि मैंने ऑलरेडी आपको लैक्रिमल सिस्टम में बताया है, तो ये वाला पार्ट आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड में आता है हमारा मूल ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ मूल। इस पार्ट में कोई क्लिनिकल वैसा पार्ट है नहीं। ये पार्ट जो है हमारा क्लिनिकली नॉट रिलेवेंट है। नॉट रेलेवेंट। ये पार्ट भी हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड देखते हैं। जो सीबेशियस ग्लैंड है, सीबेशियस ग्लैंड्स को हम दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा मेबोमियल ग्लैंड और नेक्स्ट है हमारा जीस ग्लैंड। फर्स्ट है हमारा मेबोमियल ग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा जीस ग्लैंड। मेबोमियल में दो चांस है और वो कौन से हैं? एक तो है चेलिजियन, सेलिजियन, सेलोजियन की वजह से भी, चेलिजियन की वजह से हो जाएगा इंटरनल हॉडियोल और जीस की वजह से हो जाएगा एक्सटर्नल हॉडियोल। अभी हम देखेंगे, ये हो गया हमारा पूरा ग्लैंड्स। इसके बाद हम देखेंगे एक्सटर्नल सॉरी आईलिड्स के स्वेलिंग्स। आईलिड्स के स्वेलिंग्स अब देखते हैं। तो एक होता है हमारा एट लिड मार्जिन, और दूसरा होता है हमारा अवे फ्रॉम लिड मार्जिन। पहले हम देखेंगे एट लिड मार्जिन। तो लिड मार्जिन में भी अगर पेनफुल है, पेनफुल रहता है तो रहेगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, ग्लैंड्स में, तो ग्लैंड्स में जो एक्सटर्नल हॉर्ड रहेगा उसको हम बोलेंगे स्टाई। इसको बोलेंगे स्टाई। तो अब यहाँ पे हम वापस आते हैं। पेनफुल रहेगा तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, स्टाई हो जाएगा, जो कि हो गया एक्सटर्नल हॉर्ड। और ये समझिए कि ये है हमारा आईलिड और ये हो गया हमारा यहाँ पे एक स्वेलिंग है, यहाँ पे एक स्वेलिंग है। ये स्वेलिंग रहेगा, यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहेगा उसको बोलेंगे स्टेफलोकोकस ऑरियस, स्टेफ ऑरियस, जो मैंने बताया था लैक्रिमल ग्लैंड सॉरी फ्लिक्टेनुला केराटो कंजंक्टिवाइटिस में भी मैंने ये बताया था, वहाँ पे भी यही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पे भी सेम वही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, तो इसका नाम है स्टेफ ऑरियस और ये रहेगा रेडिश, पेनफुल, और एक चीज मेन रहेगा एट द मार्जिन ऑफ लीड। अगर मार्जिन ऑफ लीड रहेगा तो कौन सा, अगर यहाँ पे हमको स्वेलिंग दिख रहा है तो कौन सा ग्लैंड वहाँ पे इन्फेक्टेड रहेगा, तो रहेगा हमारा जीस ग्लैंड इन्फेक्टेड। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम अवे फ्रॉम लीड मार्जिन। अवे फ्रॉम लीड मार्जिन में हम देखेंगे यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो पेनफुल रहेगा या फिर पेनलेस रहेगा, पेनफुल और पेनलेस। जो पेनफुल रहेगा वो रहेगा इंटरनल हॉर्ड और जो पेनलेस रहेगा वो हमारा रहेगा चेलेजियन।
अगर यहाँ पे हम बात करें तो अगर हम यहाँ पे आई का तो यहाँ पे अगर हम हिस्टोलॉजिकल सेक्शन लेंगे तो हमको कुछ ग्रेन्युलोमास दिखेंगे, ग्रेन्युलोमा सेल्स दिखेंगे। तो सेल्स दिखेंगे, ये होएगा हमारा इंटरनल हॉर्ड के अंदर। और जो चेलिजियन रहेगा, चेलिजियन में मेन हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे कि ट्रीटमेंट हमें बस इंसीजन देना है और साथ साथ में क्यूरेट करने के हैं। तो इंसीजन भी कैसे देना चाहिए हमको, वर्टिकल इंसीजन देना चाहिए। अगर वर्टिकल इंसीजन ही नहीं देंगे तो हमारा वहाँ पे ग्लैंड जो रहेगा, जो ग्लैंड रहेगा वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। साथ साथ में जो अरेंजमेंट रहता है हमारे ग्लैंड्स का वो मैं एक बार आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है हमारे, ये हमारा अपर आईलिड हो गया, लोअर आईलिड। तो जो हमारा ग्लैंड है वो कुछ इस तरह वर्टिकली उनका अरेंजमेंट रहता है, वर्टिकली अरेंजमेंट रहता है। इसलिए हमको यहाँ पे भी जो इंसिजन लेना है तो वर्टिकली इंसिजन लेना पड़ता है। कहीं पे भी, जहाँ पे भी स्वेलिंग है तो हमको वर्टिकल इंसिजन लेना और वहाँ पे क्यूरेट करने का है। सो ये हो गया हमारा पूरा टोटल आईलिड स्वेलिंग, और इसके साथ साथ ये हो गया हमारा पूरा साथ में एनाटॉमी, एनाटॉमी और ग्लैंड्स भी देखे, और ग्लैंड्स के साथ साथ आईलिड स्वेलिंग हमने कवर किया। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसऑर्डर, जिसमें आता है ब्लेफ्राइटिस और बाकी सब जो डिसऑर्डर्स है, जो टोसिस, एक्टोपियन, एंडोपियन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।